इस सरकारी गेस्ट हाउस है और रोडवा के उस पार एगो प्राइवेट गेस्ट हाउस है। वो प्राइवेट गेस्ट हाउस नहीं डूबा है और इस सरकारी गेस्ट हाउस डूब गया है, जानते हैं का है? उस सोच के बनाया गया है कि वो नहीं डूबे, इस सोच के बनाया गया है कि इसको डुबा ही देना है। यह है बिहार के स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर जिला का स्मार्ट उप स्वास्थ्य केंद्र। इन लोगों के स्वास्थ्य का क्या इलाज करेगा, इसका खुद का स्वास्थ्य खराब है। इस ससुरा सब घूस दे के इंजीनियर बन जाता है सब, और समझे में नहीं आता है इस सबको कि पुल के नीचे पानी रहता है कि पानी के नीचे पुल रहता है, और इसीलिए कमाल का पुल बनाता है सब, जिसके नीचे से पानी नहीं गुजरता उसके ऊपर से पानी गुजरता है। ऐसा ऐसा इंजीनियर सब का सर्टिफिकेट तो रद्द करना ही चाहिए, साथ में मुड़ी से कूच देना चाहिए इस सब का मुड़ी, क्योंकि मुड़ी में दिमाग है ही नहीं। जैसा कि आप लोग जानते थे कि एक भाई साहब थे, उनके पास दो बकरी थी, काली और सफ़ेद, और दोनों बकरियों को शायद बेचने गए थे। अभी उनसे पूछते हैं कि क्या बकरी कहाँ बेचे, कैसे, कितने में बेचे हैं। भाई साहब एक मिनट, उनकी बकरियाँ आप बेच दिए अपना? कौन सी, काली वाली सफ़ेद वाले? काली वाली बता दीजिए। हाँ बेच दिए उसको। सफ़ेद वाली? उसको भी बेच दिया। कहाँ बेचे हैं बकरी अपना? कौन सी, काली वाली सफ़ेद वाले? सफ़ेद वाली बता दीजिए। बंगड़ा बाज़ार में। काली वाली? उसको भी बंगड़ा बाज़ार में। कितने के बेचे हैं बकरी अपना? कौन सी, काली वाली सफ़ेद वाले? सफ़ेद वाली बता दीजिए। 4000 में। काली वाली? उसको भी 4000 में। दोनों को एक ही काम किया, सब कुछ किया है, एक ही साथ बेचा है, एक ही जगह बेचा है, तो काली सफ़ेद क्यों कर रहा है? जानते हैं वो काली वाली कसाई से बेचे हैं। सफ़ेद वाली? उसको भी कसाई से बेचे हैं।